जो सीखने वाले हैं वो काम्बो के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में सबको प्रॉब्लम आती है कि काम्बो कैसे बदला जाएगा या काम्बो क्या चीज़ है, डिस्प्ले टच क्या चीज़ है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होता है, जो काम्बो का मतलब होता है डिस्प्ले टच, दोनों को जब हम आपस में इनबिल्ट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, काम्बो बन जाता है। अगर काम्बो की बात करेंगे तो जो हमारा काम्बो होता है उसके अंदर कई सारी अलग अलग लेयर्स होती हैं। उस लेयर में अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो लेयर होती है उसको हम लोग ग्लास बोलते हैं, उसके बाद दूसरी लेयर होती है जिसको हम लोग OCA बोलते हैं, फिर टच है, पोलराइज फिल्म है, डिस्प्ले है, लाइट है। इस तरीके से ये पूरा इतनी सारी लेयर्स मिल करके ही हमारे मोबाइल फ़ोन में काम्बो बनता है। जब इतनी सारी लेयर्स मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, काम्बो बन जाता है। अगर मान लिया कल आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है रिपेयर होने के लिए, तो यहाँ पर सोचने वाली बात आती है कि जैसे मान लिया फ़ोन आ गया, वो फ़ोन डैमेज है, तो डैमेज होने पर अगर उसकी स्क्रीन डैमेज है, स्क्रीन टूटा हुआ है, स्क्रीन फूटा हुआ है, तो वो फिर बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि उसका स्क्रीन ही खराब है। मार्केट में डिस्प्ले कभी अलग से नहीं आता, लेकिन ऊपर का जो टच ग्लास फूट जाता है वो अलग से आता है। टच ग्लास फूट गया तो आप मार्केट से लाइए लगा दीजिए, लेकिन अगर स्क्रीन फूटा हुआ है, स्क्रीन में धब्बा है, निशान है, लाइन है, क्रैक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको फेंक दीजिए, पूरा काम्बो चेंज करेंगे। जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले हैं, जो भी नए लोग होते हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी आती है कि काम्बो को खोलते कैसे, वो काम्बो खोलने में तोड़ देते हैं। ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन का ग्लास फूटा हुआ है, तो ग्लास फूटा हुआ है तो मतलब डिस्प्ले तो सेफ है, लेकिन जब आप इसका ग्लास चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जब इसको पूरा बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद ही तो आप ग्लास चेंज कर पाएंगे, तभी तो इसमें पंचिंग कर पाएंगे, तभी तो OCA कर पाएंगे। तो इसको मेन आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, काम्बो को मदरबोर्ड से बाहर निकालते कैसे, कैसे फ़ोन को सही तरीके से खोलते हैं और कैसे काम्बो को बाहर निकालते हैं, और तरीका क्या होता है। तोड़ना नहीं है, उसको निकालना है, क्योंकि अगर निकालने में तोड़ दिया तो बेकार हो गया, अभी फ़ायदा क्या, अभी तो नया डालना पड़ेगा। वैसे कस्टमर को तो इस बात का रिस्क बोला जाता है कि भाई ग्लास चेंज करते समय 1% के लिए तुम्हारा स्क्रीन भी ख़राब हो सकता है, तो पूरा काम्बो ही डलवाना पड़ेगा, लेकिन उसमें रहता है कि लॉस तुम्हारा भी है। मान लिया इस मोबाइल फ़ोन का ग्लास चेंज कर दोगे, 400-500 रुपये ले लोगे, ग्लास कितने का आया, 40 रुपये का, लेकिन फूट गया तो काम्बो कितने का आएगा, 900 रुपये का, फिर आप उसे 1000-1200 रुपये लोगे, मतलब 50 रुपये लगा करके 500 रुपये कमाने वाले हो, और फिर 900 लगा के 1100 रुपये मिलने वाले, तो 200 रुपये मिलेंगे, उससे 400 रुपये मिलेंगे, तो मार्जिन भी डबल होता है, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। तो आज मैं हम आपको स्क्रीन को खोलते कैसे हैं इसका हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग मेरे पास में आ जाओ, जितने भी सारे लोग हैं सब लोग पास में आ जाओ, ताकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिखा सकें। तुम पास में हो, तुम इधर आओ, तो ये हमारी जो मशीन होती है इसको हम लोग सेपरेटर मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपरेटर मशीन होती है, और सेपरेटर मशीन से जब भी काम्बो खोलेंगे तो इस मशीन 250 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, और 250 वोल्ट ऑपरेट होने के बाद अगर आप पीछे देखेंगे इसके जाएंगे इसमें, तो इसके अलग अलग ये देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको हम लोग 100 से लेकर के 110 टेम्परेचर पर सेट कर लेते हैं। कितना सेट कर लेते हैं, 110 पर सेट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेट का ऑप्शन होता है, आप सेट पर क्लिक करेंगे, अब ये पूछेगा कितने पे करना है, ये हमारी जैसे मशीन है 120 पे सेट है, तो कितने पे सेट है, 120। अब इससे वैसे कम भी कर सकते हो, आपको कितने पे करना है, 110 पे। उसके बाद क्या कर देना है, इंटर कर देना है, अब 61 है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 110 पे जाएगा। इसके बाद ये मशीन के ऊपर एक लेयर्स लगी होती है, जिससे क्या होता है जब भी आप काम्बो को रखेंगे तो काम्बो को पकड़ कर लेती है, ऐसे क्या कर लेती है, पकड़ कर लेती है, जिससे हिलता नहीं है। उसके बाद अब अगर मान लिया हमको इस मोबाइल फोन का काम्बो निकालना है, तो सही तरीका क्या है कि किस सही तरीके से इस मोबाइल फोन के काम्बो को हम लोग आसानी से निकालेंगे, फिर आसानी से निकालने के बाद क्या करेंगे, लगाएंगे। अब देखिए इसको निकालने के लिए
कॉम्बो निकालने के लिए देखिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे सही तरीका क्या है, आज हम आपको जो बता रहे हैं, क्योंकि जब आप इस वीडियो को एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार दस बार देखते हो तब आपको अच्छे से दिमाग में फिट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि एक बार देख लिया दिमाग से ओझल हो गया, लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसको जब दो बार चार बार पाँच बार वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। कॉम्बो में ग्लास चेंज करने के लिए कॉम्बो खोलना ही पड़ता है, कॉम्बो खोलने में लोग तोड़ देते हैं, सही तरीका नहीं इस्तेमाल करते। सही तरीका क्या है, सही तरीका आप ग्लू रिमूवर के माध्यम से खोलते हैं, ये कॉम्बो खोलने में बहुत अच्छी हमारी मदद करता है। देखिए इसके माध्यम से कैसे खोलेंगे, सबसे पहले बात क्या करेंगे, उसे पीछे का बैक ओपन कर लेंगे, जब बैक ओपन कर लेंगे तो ये पीछे का ये आपका निकल करके बाहर आ जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बैक पैनल, क्या बोलते हैं, बैक पैनल। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे स्क्रू लगे होते हैं, बैटरी लगी होती है, बैटरी को आप निकालेंगे, बैटरी को कभी भी आप निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे कोई नुकीली चीज़ से नहीं निकालना, चिमटी से भी अगर निकालते हो तो उल्टी साइड से निकालना है, बैक साइड से निकालना है। ये तुम्हारी बैटरी है, बैटरी के बाद अब स्क्रू ड्राइवर दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इस मोबाइल फ़ोन को ओपन करेंगे, पूरे मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे, इसमें देखेंगे ये जो एक पत्ता हमको जो दिख रहा है, ये पत्ता हमारा यूआई का पत्ता है, ये वाला पत्ता हमारा स्क्रीन का पत्ता है, किसका पत्ता है, स्क्रीन का पत्ता। जो भी मोबाइल फ़ोन को स्क्रू खोलेंगे तो ध्यान रखेंगे स्क्रू को ऐसे देखना है और उसको रख लेना है। आपका तो सर ये देखना क्यों है, देखना इसीलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर 90% जो बड़े वाले स्क्रू होते हैं वो साइड में लगे होते हैं, छोटे वाले स्क्रू बीच में लगे होते हैं, तो उसमें से गलती ये हो जाती है कि छोटा बड़ा में फ़र्क हो जाता है। हमने अगर मान लिया बड़ा वाला स्क्रू डिस्प्ले यहाँ कस दिया तो डिस्प्ले के अंदर घुस जाएगा, जब डिस्प्ले के अंदर घुस जाएगा तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, तुम्हारा फूट जाएगा। कई बार ऐसा होता है जितने नए लोग होते हैं उनसे बड़ी परेशानी होती है, स्क्रू को कसते जाते हैं कसते जाते हैं कसते जाते हैं और डिस्प्ले में घुसड़ देते हैं, कहते हैं सजे डिस्प्ले आया और डिस्प्ले में चंदा मामा बन गया, तो कैसे बन गया, ऐसे बन जाता है। ये हमारा मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब ये हमारा पूरा इतना, इसको बोलते हैं हम कॉम्बो, क्या बोलते हैं, कॉम्बो। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको खोलने का तरीका क्या है, सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप इसको रखेंगे गर्म करेंगे, गर्म करते समय रबड़ की कोई खास ज़रूरत नहीं, आप सिंपली ऐसे रख करके इसको गर्म कर सकते हैं। ये जब आपका गर्म हो जाएगा तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। अब खोलने के लिए आपको क्या करना है, ये ग्लू रिमूवर लेना है, ग्लू रिमूवर को लेने के बाद इसको ऐसे इसमें ढक्कन में डाल देना है, कॉम्बो खोलने के लिए आपके हल्के हल्के नाखून होने चाहिए, अगर नाखून नहीं होते तो मार्केट में प्लास्टिक के ओपनर भी आते हैं, स्टील के नाखून जैसे ओपनर भी आते हैं, ऐसे गोल गोल ऐसे ट्रायंगल जैसे बने होते हैं, उसके माध्यम से भी आप खोल सकते हैं, नहीं तो इससे खोल सकते हैं। अब क्या तो सर जी इसको क्यों लगाते हैं, इसको हम लोग इसे लगाते हैं कि जैसे मान लिया कहीं पर ग्लू लगा हुआ है और तुमने मान लिया इसको हल्का सा ऐसे लगा दिया तो ये ग्लू को ख़त्म कर देता है, क्या कर देता है, ग्लू को ख़त्म कर देता है, ग्लू को ख़त्म करने के बाद नष्ट हो, जैसे अगर आप देखेंगे जैसे ये डस्ट लगी है, अब ये डस्ट लगी अगर हम लोग क्या करेंगे हल्का सा इसको डाल देंगे और डालने के बाद जब इसको साफ़ कर देंगे तो साफ़ करने के बाद ये डस्ट क्या हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि डस्ट एक ग्लू की तरह है वो चिपकी हुई है, तो जैसे इसको डालते हैं तो जो ग्लू हमारा चिपका हुआ होता है वो अलग अलग हो जाता है, तो अलग अलग हो जाएगा तो हम लोग, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, ज़्यादा डाल देंगे तो डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा तो डिस्प्ले में स्पॉट बना देगा, क्या बना देगा, स्पॉट बना देगा, तो कहते सर जी ज़्यादा ही डालेंगे तो फिर कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपने इसका कर दिया अब गर्म हो गया, इसको आपको क्या करना, किसी भी एक साइड से ऐसे खोलना शुरू करना है ऐसे। अब जैसे नाखून नहीं चल रहा है तो यहाँ पर हल्का सा ऐसे ले लो ये ऐसे देखो, ये आपको ग्लू को नाखून के सारे लगाना है, किसके सारे लगाना है, ऐसे ले लेना है, ऐसे ठोक देना ताकि एक्स्ट्रा आगे वो अलग हो जाएगा। देखो बड़ा आसानी से कॉम्बो खुलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ग्लू में जैसे ही वो हल्का सा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको काट देता है, क्या कर देता है, काट देता है, देखो स्पेस बना दिया,
यहाँ पर आपको ताकत नहीं लगाना है, फिर लेना है। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे डाल लो, ऐसे ले लो। जैसे खत्म हो जाता है फिर से ले लो। फिर खत्म हो जाता है फिर ले लो। ये क्या करता है, अंदर से काटता है। किसको काटता है? ग्लू को। देखिए खुल गया, अब इस तरफ को खोल लेते हैं। अच्छा, इसकी मदद से यही रहता है कि जो ग्लू होता है ना उसको ढीला कर देता है, और जहां पर आपका नाखून फंसने लगे फिर निकाल लो, फिर हल्का से ले लो। तुम्हारा ऐसे लगाना नहीं होगा, उसका काटना नहीं होगा। देखो गरम तो करना ही करना है, गरम करने से ग्लू ढीला हो जाएगा। देखो ऐसे जब भी आप कांबो खोलेंगे तो आपका इतना स्मूथली कांबो खुल जाएगा कि आप खुद सोचेंगे कि बिल्कुल सज्जे बहुत आसानी से खुल गए। देखो देखिए, अब मैं तुमको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। देखो ये है, ये ग्लू हल्का सा दिख रहा है, देखना अभी तुमको, देखना मैं हल्का सा इसमें ले लिया, देखना जैसे टच करूंगा तो ऐसा कटेगा जैसे ब्लेड ने काट दिया, देखना। देखा, मतलब आप हल्का सा डालोगे तो ऐसा लगे जैसे आप, जैसे कीड़ा नहीं होता, कीड़ों को जैसे डालो तुरंत तो ऐसे आपस में से मुड़ जाता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे आप हल्का सा पड़ता है तो ग्लू आपस में क्या होता है, खिसक जाता है, कटता है कि नहीं कटता? तो उसी तरीके से जब हल्का हल्का डालते हो जाते हैं तो कटता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इतना भी नहीं लेना कि डिस्प्ले के अंदर घुस जाए। डिस्प्ले के अंदर घुस जाएगा तो भाई डिस्प्ले क्या कर देगा, काट देगा ऐसे। ये आपका पूरा निकल गया। हाँ जी, इसमें टच डिस्प्ले सब कुछ कैसा है एक साथ में, और इसका जो टच खराब हो जाएगा तो बदलने की कोई उपाय, इसको चेंज कर दीजिए। हाँ चेंज कर। तो ये जो हमने आपको बताया तो ये काम्बो होता है, इसको क्या बोलते हैं, काम्बो। काम्बो के ऊपर ये जो आपकी पहली लेयर लगी होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले। ये जो ऊपर लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लास। टच जो है वो डिस्प्ले के अंदर ही इनबिल्ट है। अगर मान लिया इसमें सेकंड पत्ता होता, सेकंड पत्ता का मतलब समझो जैसे एक पत्ता दिया जैसे एक और पत्ता होता, तब हमारा इसमें होता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमारे पास एक और मोबाइल फ़ोन रखा हुआ, ये वाला MI का 4A शायद है, हाँ 4A है। इसमें देखिए, इसमें एक पत्ता ये दिया हुआ है, दूसरा पत्ता ये दिया हुआ है, तो ये पत्ता काहे का है, ये पत्ता काहे का है, टच डिस्प्ले, दो पत्ता है ना। तो जो छोटा वाला होता है जिसमें एक आईसी लगा होता है तो ये पत्ता काय का होता तुम्हारा, और जिसमें से ये बड़ा पत्ता लगा होता उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले टाइप दोनों मिल के आपस में क्या बन जाता है, काम्बो। ये काम्बो अब आप इसको खोलेंगे तो फिर से हल्का सा गर्म करेंगे और हल्का सा जैसे क्लीन, देखो ये स्पेस नहीं बनाएगा, लेकिन आप अगर इसको लेकर के जैसे आप ऐसे डालेंगे तो तुरंत नाखून अंदर जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लू को काटने लगता है, ग्लू को क्या करता है, काटने लगता है। तो इस बात का जब भी आप लोग काम्बो खोलेंगे तो काम्बो खोलने का आप ध्यान रखेंगे कि काम्बो को आपको किस तरीके से खोलना है। काम्बो खोलने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। ताकत का इस्तेमाल करने से हमारा क्या होता है, काम्बो टूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काम्बो फूट गए तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मोबाइल फोन का ग्लास को निकाल कर रख लेते हैं ताकि कल को कोई दूसरा फोन आएगा तो ग्लास को उसमें डाल देते हैं, टूटे फूटे ये जो ग्लास होते हैं काम आ जाते हैं। ओरिजिनल ग्लास है,
ओरिजिनल ग्लास नॉर्मल ग्लास के अपेक्षा कई गुना ज्यादा मजबूत होता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काम्बो। तो समझ में आएगा आपको कि कैसे हम मोबाइल फोन में काम्बो को खोलेंगे। काम्बो खोलने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल। क्या बोलते हैं, मिडिल। यहाँ पर ऊपर लगा होता है फ्रंट कैमरा, यहाँ पर ऊपर लगा होता है सेंसर। काम्बो लगाते समय जितने भी सारे लोग हैं सब लोग अपनी बातों का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब भी आप काम्बो लगाएंगे, देखिए आपका जैसे काम बोर्ड है, इस मदर बोर्ड के अंदर देखेंगे सेंसर लगा हुआ है, दिख रहा है बिल्ली की तरह तो आँखें हैं, तो जो सेंसर लगा हुआ है तो सेंसर को में कभी भी आप धूल मिट्टी डस्ट ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। अगर सेंसर में तुमने धूल मिट्टी डस्ट लगा दिया तो क्या होगा, काला काला आ जाएगा, तो ये हमारा बेकार हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसर। तो सेंसर को जब भी आप पीछे से लगता है तो आप देखेंगे इसकी दो दो बिल्ली की आंखें जैसे जो आगे सामने चमकने लगती हैं। इसमें से जब आप काम्बो लगा देंगे तो काम्बो लगाते समय अगर मान लिया तुमसे गलती से इसके अंदर ग्लू चला गया तो फिर प्रॉब्लम यह आएगी, कस्टमर का फोन तो चलेगा लेकिन जैसे ही फोन मिलाएगा, कॉल आएगा जाएगा तो उसका लाइट बंद हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या कर दिया तुमने, बेकार कर दिया। फिर तुमको खोलना पड़ेगा, फिर खोल के ऐसा नहीं कि काम्बो निकालना पड़ेगा, खाली सेंसर को साफ करना पड़ेगा, सेंसर वाला जो एरिया है उसको साफ करना पड़ेगा, लेकिन खोलना तो पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए पहले ही आप ध्यान रखें कि सेंसर के सामने ग्लू नहीं लगाना और सेंसर को प्रॉपर तरीके से फिटिंग करना है। ठीक है, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, काम्बो को खोलना, कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर काम्बो खोलते हैं। और काम्बो नया लगाना बहुत आसान है, नया लगाने में क्या है, पूरा नया ले आओ, चारों तरफ ग्लू लगा दो और बस इस तरीके से आप इसकी पेस्टिंग कर दो, लग गया, पत्ता लगा दो, काम्बो लग गया। सिर्फ दिक्कत ये आती है कि निकालने में, वो भी कोई टूटा फूटा काम्बो तो उसको निकालने में कोई तकलीफ नहीं, कहीं से भी निकाल दो। तकलीफ तो उस चीज़ में है कि जब ग्लास फूटा हुआ हो और डिस्प्ले चल रहा हो, कस्टमर पूरा फोन चलता हुआ लेके आता, कहता देखो यार ग्लास फूट गया, ग्लास डाल दो यार भैया, तो उस समय पर दिक्कत आती है कि हमको सही से खोलना है, सही से निकालना है, सेफ्टी से कहीं से चटका पटका नहीं होना चाहिए, आराम से हम उसमें ग्लास को बदल सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने काम्बो को निकालना सीखा हुआ कि काम्बो को निकालते कैसे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप देखते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट पर मैसेज करें। और अगर इस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मिलाता भी हूँ कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग क्लास कर रहे हैं, वो किस तरीके से क्लास कर रहे हैं। इनका सुबह का मॉर्निंग का बैच होता है, ये सुबह 8 से 10 का बैच चल रहा है, इसमें से जितने भी सारे लोग हैं 5 लोगों का पूरा टोटल बैच है, और ये लोग क्लास कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने बारे में, आप जो लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए, ताकि और भी जो लोग हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या इस तरीके से कैसे क्लास होती है, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जब आप ही लोग की मैं बात करता हूँ, जब आप लोग इतना दूर से आते हैं तो एक फेथ होता है कि सर के पास हम सीखने के लिए जाएंगे, हमको सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर रिव्यू देते हो तो सामने वाले को भी प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं भाई हम लोग भी सर के पास जाएंगे तो हमें भी लगेगा, क्योंकि बहुत इसमें से ऐसे लोग आए हुए हैं जिन लोगों ने रिव्यू को देखा हुआ है, उसके माध्यम से हमको सिलेक्ट किया हुआ है। जब आप लोगों ने हमको सिलेक्ट किया हुआ तो इस बात का ज़रूर हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि आप पूरा कंप्लीट सीख कर ही जाएंगे, और पूरा फुल डे ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। तो सर आप बता दीजिए अपने बारे में, क्या क्या सारी चीज़ें अभी सीख रहे हैं, कितना टाइम हो गया और कहाँ से रहने वाले हैं। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ और मतलब और आगे बढ़ रहा हूँ। कितना टाइम हो गया आपको क्लास करते करते? सर मेरे को हुआ 15 दिन अभी, ओनली 15 दिन क्लास करते करते हो गए इनको। ये मार्केट में भी काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन का एसेसरी से संबंधित हैं जी, एसेसरी से संबंधित काम करते हैं, लेकिन बस ये रहता है कि उनको थोड़ा सा ही हिस्सा मिल पाता है। अब ये चाहते हैं कि हम एक बार अपना सीख करके अपना फैजाबाद में कहीं भी अपना काम डाल लें। अगर आप एसेसरी सेल परचेज का कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन इस लाइन में देखा जाए तो मेन एरिया रिपेयरिंग ही रहता है। अगर जिसका रिपेयरिंग मजबूत है तो सब मजबूत है, जिसका रिपेयरिंग नहीं मजबूत तो सब अधूरा है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी अस्पताल को चलाने के लिए अच्छी दवाइयाँ, अच्छे इक्विपमेंट्स ये रखना जरूरी होता है, एक अच्छा डॉक्टर रखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो सारी परेशानियों को वो हल कर देता है।
हेलो, मैं जालौन से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर भी यही वीडियो के माध्यम से आया था। यहाँ पर क्या आप आइए, एक बार चेक करिएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। अगर आप कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का हो तो यहाँ पर भी आइएगा। 2-3 दिन का सर डेमो देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप स्वयं ज्वाइन करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। सर के पढ़ाने का एक तरीका ही कुछ अलग है, ऐसा लगता है जैसे सर हाँ पढ़ा रहे हैं। सीखने को भी मिलता है यहाँ पर, सर प्रैक्टिकल कराते हैं। बगल में हमारे यहाँ लैब है, हर तरह की सुविधा है। आप आइएगा और सीखिएगा, यहाँ पे अच्छा लगेगा आपको। मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ, मैं बिहार से हूँ, नालंदा जिला। मैं यूट्यूब से देख करके आया था और बढ़िया यहाँ पे देखने को मिला। यूट्यूब से भी बढ़िया देखने को मिल रहा है और बढ़िया से मैं काम सीख रहा हूँ और आगे भी सीख लेंगे पूरा। कितना टाइम हो गया आपको करते करते क्लास? मेरा 10 दिन हो गया सर। 10 दिन हो गया। 10 दिन क्लास में आपने क्या क्या सारी चीज़ें सीख लिया है? मैं कंपोनेंट निकालना लगाना सीख गया हूँ, जैक लगाना सीख गया हूँ, मोबाइल के खोलना लगाना सीख गया हूँ और अभी कॉम्बो का काम चल रहा है, वो भी सीख जाऊंगा 1-2 दिन में। तो इनके बाद मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मेरे पास सीखने के लिए आए थे, 2 लोग आए थे। एक लोगों ने मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर को दोनों ज्वाइन किया हुआ है, एक लोगों ने कहीं और ज्वाइन किया हुआ है। अब लास्ट में हम इस बात के चैलेंज के साथ में कहते हैं, हम वीडियो के माध्यम से ये बात आपको रिव्यू इनका लास्ट में जरूर दिखाएंगे कि सर मेरे पास से कैसा सीख करके जाएंगे। और उन्होंने कई और जगह को सिलेक्ट किया, इन्होंने मेरे पास सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास जब आपने सिलेक्ट किया है तो ऐसी बात कोई नहीं बोलने वाली बात होती। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि हम आपको कमिटमेंट पे पक्के रहें। कहते हैं जो आदमी वीडियो के माध्यम से कहीं भी आप जाते हो, कोई काम होता है कि नहीं होता, तो आदमी क्या बोलता है, भैया काम करो, हमको लिख के दे दो, तुम काम करोगे कि नहीं करोगे। तो लिख के देने का मतलब रहता है कि आदमी अपनी जवान से कभी फिसलता नहीं है, होता है कि नहीं होता। तो हम वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि आप हमारे पास 100% तरीके से सीख करके जाएंगे। और जहाँ पर सिलेक्ट किया वहाँ से समझ लीजिए, फीस के मामले में देखा जाए तो जस्ट 50%, मतलब यहाँ से उन्होंने 50% पैसा ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन मैं इस बात को चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि मैं इनको नॉलेज 50% और ज़्यादा दूंगा। क्यों ज़्यादा दूंगा? ताकि हमारा यही मोटिव है कि हमारे स्टूडेंट कम से कम में सब चीज़ों को बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छी चीज़ों को सीख सके और लाइफ में सक्सेसफुल हो, सफल हो, अच्छी तरीके से वो काम करें। सर आप बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम मोनिश खान है और मैं अकबरपुर कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। वीडियो के माध्यम से सर के पास आया हूँ और इधर पे मुझे 12 दिन करीब हो गए हैं कंपोनेंट्स के बारे में और डिस्प्ले के बारे में जानकारी अच्छे से ली है और सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाया है। और इसके बगल में प्रैक्टिकल लैब है और प्रैक्टिकल लैब में भी सर हार्डवेयर का पूरा सब सिखाते हैं। और अगर कोई भी अगर आपको आगे चलिए कुछ भी टेंशन या दिक्कत होती है तो उसके बारे में सर पूरी हेल्प करते हैं और अच्छे से सब कुछ बताते भी हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो वो हल्के सर से पूछिए आप, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो सर सब बताएंगे और आपको पूरा साथ देंगे। और सर से कुछ भी आप पूछ सकते हैं डिस्प्ले और मोबाइल की अधिक जानकारी के लिए, और सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जितने भी सारे लोग हैं सब लोग अपने क्लास में बैच में कर रहे हैं और सभी लोग सीख रहे हैं। तो सीखने के साथ साथ ये हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है, किस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सारे बच्चों को पूरा क्लास देते हैं। और भी बच्चे हैं जो क्लास कर रहे हैं, सर आपको उन बच्चों से भी मिला देंगे ताकि आप देख सकते हैं कि जो लोग बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो कैसे करते हैं। सर आप एक एक करके सारे बच्चों से और मिला दीजिए। देखिए लैब उठी है हमारी और ये लैब में आपको मोहित सर मिलेंगे, हंसता खिलता हुआ चेहरा है मोहित सर का। ये चलिए आपका क्या नाम है? कपिल। इस पे बताइए। कपिल। कपिल, इनका कपिल नाम है। कपिल जी कहाँ से हैं आप? हम हमीरपुर से हैं। हमीरपुर से जी। अभी कितने दिन हुए सर आपको? हमारे हो गए सर 1 महीने लगभग। 1 महीने में क्या क्या सीखा आपने? सर जी फिलहाल हमने सारा काम सीख लिया है, बस मोबाइल लेके आए थे घर से, उसका नेटवर्किंग खराब था, उसी को बना रहे हैं। अच्छा घर से लेके आए थे। हाँ। अच्छा तो ये है क्या क्या बना रहे हैं आप नेटवर्किंग? WTRIC बना रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, जियो फोन का। अच्छा जियो फोन का बना जी। रहे हैं। क्या होली में घर गए थे क्या? जी सर गए थे। तो वहाँ से फोन लेके आए हो? जी। चलिए बहुत अच्छा। अब हम आपको दिखाते हैं, हमारे योगेंद्र जी हैं ठीक, जो कि बहुत ही सज्जन और सुशील स्वभाव के हैं।
प्रवीण जी कहाँ से हो? मैं रसूलाबाद से। रसूलाबाद? रसूलाबाद कहाँ आता है ये? ये कानपुर में पड़ता है। कानपुर में पड़ता है? कानपुर देहात में। कितनी दूर है इंस्टीट्यूट से? यहाँ से है बस 60-70 किलोमीटर होगा। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं चार्जिंग की लाइन बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? चार्जिंग की लाइन। चार्जिंग? चार्जिंग की लाइन बना रहा। चार्जिंग की लाइन बना रहे हो? अरे तो सही से बोलो ना, चार्जिंग सेक्शन की लाइन बना रहे हैं। तो क्या जियो फोन भी बना रहे हो? हाँ जियो फोन। कितने दिन हो गए आपको? बस 1 महीना 15 दिन हो गए, रिजल्ट बना गया। 1 महीने 15 दिन हो गए। एब्सेंट कितना रहे हो? फुल है। फुल है? एब्सेंट नहीं है? नहीं। छुट्टी नहीं मारी है? बस वही 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन? 2-3 दिन लगा के बहुत दिन मारी है। चलो ये हमारे मऊ से धर्मेंद्र जी हैं, जो कि एक दुकानदार हैं। आप करो, बच्चों को दिखा रहे हैं। देखिए ये मऊ से आए हुए हैं, उनका एक ही मोटो है कि हमें एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखनी है। और ये ज़्यादातर माइक्रोस्कोप में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल का जो काम होता है ये सारा माइक्रोस्कोप के ज़रिए होता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इनका हाथ कितना अच्छा सेट है, और अभी मात्र 1 महीने हुए हैं शायद इनको, अभी बात कराते हैं इनसे हम। ये देखिए इनकी बन गई है शायद, अभी कुछ फुर्सत में नज़र आ रहा है हमें। ये देखिए ये है ग्लू रिमूवर, अभी शायद आईसी को क्लीन करेंगे निकाल करके। ये देखिए इन्होंने, ये डॉक्टर टेप होता है, इसको हम पेपर टेप भी बोलते हैं, ये ब्रश के जरिए क्लीन कर रहे हैं। बड़ी सावधानी से निकालना होता है, नहीं ऐसी की बॉलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। देखिए इन्होंने फिर से ग्लू रिमूवर डाला, फिर से क्लीन करेंगे। ये देखिए ऐसे ही बच्चे माइक्रोस्कोप में बैठ करके अपना एडवांस लेवल का ट्रेनिंग करते हैं। मोबाइल का पूरा लगभग काम सीख गया हूँ। ज्यादा मैं आईसी लेवल का काम करने के लिए आया था, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी आईसी मतलब लगा ले रहा हूँ और चला भी दे रहा हूँ। निकाल भी लेते हैं जी? आईसी निकालना तो अब हमारे लिए लगभग खेल हो गया है। और हाँ, और लगाना मतलब निकाल के रिवोल्व करके फिर चला भी दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ से? मऊ से हैं जी। मऊ क्या करते थे आप? वहाँ मेरी मोबाइल की शॉप है, लेकिन हार्डवेयर में थोड़ा सा मेरा वीकनेस था, इसके लिए मैं इधर आया। हार्डवेयर वीक था जी। सर दुकान कितने से चला रहे हैं? लगभग 5 साल हो गया। 5 साल से चला रहे हैं जी। तो हार्डवेयर में क्या क्या करते थे वहाँ पे आप? हार्डवेयर में वही चार्जिंग कनेक्टर नॉर्मल सब हो जाता था, लेकिन
एडवांस लेवल पे काम नहीं हो पा रहा था। आप क्या करोगे सर आप यहाँ से जाने के बाद? सर यहाँ से जाने के बाद अब आईसी का भी काम कर दूंगा और सॉफ्टवेयर का फुल नॉलेज हो गया है। अब आईसी उखाड़ोगे धड़ाधड़ जी? अरे वेरी गुड। देखिए ये मोहित सर हैं जो कि आईसीयू को बहुत उखड़ाते हैं, इनको भी आईसीयू उखड़ाने के बच्चों से शौक रहता है। और बहुत ही फ्री स्टाइल में आपको क्लास करने को मिलती है, आराम से आप फ्री स्टाइल में क्लास कर सकते हैं सारी चीज़ों से।